अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस विद अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस होप करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए और एकदम छकाज हो गए। तो यार आप लोगों का वेलकम एक और नई वीडियो पे। इस वीडियो में हम ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 का ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके ऑप्शन वगैरह के और जो भी इस गेम के फीचर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यार जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह का आ जाता है और यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है, जो कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का लिखने के बाद यहाँ पे कोई अपना शहर चूज़ करना होता है। यहाँ पे फिर मैं कोई भी शहर चूज़ कर सकता हूँ और आप भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं मैंने कंपनी नेम भी लिख दिया और अपना नेम भी लिख दिया। और यहाँ पर आप कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी प्यारा लगे, मुझे यहाँ पर ये ग्रीन वाला पहला लग रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। और यहाँ पे आप लोग अपनी कंपनी का लोगो चेक कर सकते हैं कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है और वही लोगो आप लोग लगा सकते हो। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ पे लोडिंग होगा और फिर आप लोग आ जाओगे एक गैरेज में, जिस गैरेज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं 10,000 यूरोज। और यहाँ से आपके पास यहाँ पे 9,000 यूरोज का ट्रक मिल रहा होता है आपको। और इसके अलावा आप लोग कोई ट्रक नहीं खरीद सकते। वैसे यहाँ पे ट्रक काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन आपका बजट बहुत कम होता है, इसलिए आप वही पहले वाला ट्रक ले सकते हो। और कोई आप लोग लेने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता यार। तो फिर यहाँ पे मैं ट्रक आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये ट्रक हैं और ये लास्ट ट्रक है इसका। और तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए यार चलते हैं, पहले जाके ट्रक बाय करते हैं और इसको परचेज़ करने से हमारे पास आ जाएगी सामने लिस्ट। ओके तो गाइस वो लिस्ट आ चुकी है, मैंने परचेज़ कर दी। और ड्राइव योरसेल्फ करना है आपने और यहाँ पे आपने स्लॉट कौन सा करना है, स्लॉट 1 स्लॉट 2। यहाँ पे मैंने इसी पे चूज़ किया था इसी शहर पे, तो फिर स्लॉट 1 में इसको कर देते हैं अपलोड। ओके तो गाइस यहाँ पे होगी लोडिंग। लोडिंग होने के बाद मैं पहुँच जाऊँगा, उम्मीद तो करता हूँ मैं पहुँच जाऊँगा उसी के पास, लेकिन इतना टाइम क्यों ले रही है लोडिंग। ओके तो गाइस लोडिंग मैप हो रहा है, लोडिंग मैप होने के बाद देखते हैं क्या होता है। ओके तो गाइस हमारा ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 में वेलकम हो चुका है और यहाँ पे इसको करते हैं ख़त्म और यहाँ से करते हैं अपने ट्रक को स्टार्ट। ओके तो मैंने ट्रक स्टार्ट कर लिया और यार तुम लोग देख सकते हो बहुत ही घटिया ग्राफिक्स हैं फिलहाल। हम जब गेम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बुरे ग्राफिक्स आते हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में भी वैसे ही चलेगी जैसे बाकी यूट्यूबर्स चलाते हैं बिल्कुल बढ़िया ग्राफिक के साथ। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं ट्रक ले जाता हूँ आगे और यहाँ पे कर देते हैं इसको पार्क। तो गाइज यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपने आ जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास होंगे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स, ग्राफिक्स, टूल्स, तो इसको कर देना आपने कैंसिल। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सब कुछ को कर देना आपने हाई, जो जो आप हाई करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने सबको ऑन कर दिया, हाई कर दिया, हाई कर दिया। और गाइज यहाँ पर इसको भी हाई कर देते हैं और यहाँ पर नो लिमिट्स कर देते हैं FPS की, नो लिमिट्स। और यहाँ पे रेन को भी कर देना आपने लो और यहाँ पे नीचे आ गए FPS सब भाई है गाइज नो लिमिट्स। यहाँ पे इसको कर देते हैं और गाइज यहाँ पे आप लोग ट्रक के सस्पेंशन वगैरह जो भी है सब कुछ आपको इसी तरह कर देना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको आगे करने से इतना मज़ा नहीं आएगा जो पीछे करने से आएगा, तो इसको कर देते हैं आगे। और यहाँ पर गाइज आपके पास आएगा यहाँ पर कॉन्फ़िगर को दबाने से पहले यहाँ पर आपने हैंड को रिमूव कर देना है, नो कर देना क्योंकि इससे गेम लैग बहुत करती है। और गाइस यहाँ पे आपके पास कैमरा मोड्स हैं, यहाँ पे कैमरा मोड्स आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, जितने मर्ज़ी करना चाहते हो वो कर लो। यहाँ पे ट्रैफिक को आपने फुल कर देना और यहाँ पे आ जाते हैं हम कॉन्फ़िगर दबाने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे स्टीयरिंग के पास। और स्टीयरिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ये ऑप्शन होंगे, यहाँ से आप जैसे सेट करना चाहते हैं वैसे सेट कर लें। मैं जैसा करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। ओके तो गाइज मैंने अपने स्टीयरिंग वगैरह को और चेयर को भी सारा लिफ्ट अप कर लिया और सारा कुछ सेट कर लिया। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये वाला ऑप्शन, यहाँ से हम लोग अपने जॉब वगैरह ले सकते हैं, ट्रेलर वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिटेड आएंगे ट्रेलर पहली बार क्योंकि हमारे लेवल अप नहीं है। लेवल अप होने के बाद आप कोई भी हैवी ट्रेलर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ट्रक भी हैवी होना चाहिए जो कि अच्छा वेट ले सके। अगर वेट ज़्यादा हो ट्रक हो छोटा तो फिर उल्टते भी बहुत ज़्यादा और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको लेके जाना। तो ये गलती कभी नहीं करनी, अपने ट्रक के मुताबिक जितना लोड आपका ट्रक ले सकता है उतना ही लोड लें। ज़्यादा हैवी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों के लालच में नहीं आना, अपने ट्रक को हैवी बनाओ और लो। अगर आपने वैसे ही हैवी ले लिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत छोटा ट्रक है तो फिर मैं यहाँ पर ये छोटा ट्रेलर ही बाय करता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ से मैंने कर लिया भाई, यहाँ से आपको कर देना लेस कह रहा हूँ यार, यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। ओके तो गाइस यस करके आपके पास यहाँ पे ट्रेलर आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं जाके आपको एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी एक बढ़िया सी लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे ट्यूटोरियल देने का मज़ा ही अलग। ओके तो यारों बैठे हो ना तुम लोग, मैं आ चुका हूँ एकदम बढ़िया लोकेशन पर, देख सकते हो क्या रोड पर गाड़ियाँ जा रही हैं और आपका भाई डिपर दे रहा है। तो गाइस तो फिर ध्यान से देखना आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना।
ओके तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हमारे पास हेडलाइट के ऑप्शन के सामने ही नीचे देख सकते हैं आप हैंड ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है। हैंड ब्रेक के साथ यहाँ पे आ जाता है वाइपर्स का। वाइपर्स के 3 मोड है यहाँ पे, आप लोग जो भी मोड आपको सही लगे, ज़्यादा बारिश हो तो 3 और नॉर्मल हो तो 1, और जो भी मोड आपको सही लगे। और उसके साथ आ जाता है यहाँ पर कैमरा, और यहाँ से आप लोग ये मीटर के जो छोटा सा है यहाँ से आप लोग मीटर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बड़ा मीटर आ जाएगा, और बड़े मीटर पे आपको यहाँ पे ट्रक की एवरेज नज़र आती है, और एवरेज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेम का जो टाइम है वो टाइम नज़र आने लग जाएगा। ओके तो गाइस उसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाले साइड पे। ऊपर पे आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, डॉट को क्लिक करने से आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें इंडिकेटर वाला है, डबल इंडिकेटर वाला, जो कि मैंने फ़िलहाल क्लिक किया हुआ। और उसके बाद आपको स्टेयरिंग के साथ डिपर का ऑप्शन मिल जाता है, और उसी डॉट के अंदर आप ट्रक ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ट्रक ऑफ एंड ऑफ करने का ऑप्शन भी उन्हीं डॉट्स के अंदर है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन उससे पहले यार इस ट्रक वाले को पता नहीं क्या हो गया, मुझे टकरे मारी जा रहा था, मैं ट्रक को थोड़ा साइड पर कर लेता हूँ, मैं फजूल रश खड़ा कर रहा था, पता नहीं क्या। ओके तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फुटपाथ के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, अगले फ्यूचर की तरफ, वो है हमारा क्रूज़ वाला। ये आप एक्सेलरेटर और ब्रेक के ऊपर देख सकते हो, ये है क्रूज़, इसको आप लोग क्लिक करके कोई भी स्पीड लिमिट रख सकते हो। ओके तो गाइस यहाँ पे ये क्रूज़ वाला ऑप्शन भी आपको बता दिया। और गाइस यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वॉक का भी ऑप्शन होगा। वॉक का ऑप्शन को यूज़ करके आप यहाँ पे कभी आ सकते हो। और यार यहाँ पे लंबी लाइन क्यों लगी है, और कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। ओके तो गाइस रेड लाइट हुई है और इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है यार, ये हम अगर इस गेम में रेड लाइट फॉलो करेंगे तो फिर सदियाँ लग जाएगी हमें ये एक डिलीवरी करने में। वैसे आपका भाई कौन सा रेड लाइट को फॉलो करने वाला है। और हाँ गाइस इसकी सीरीज भी आएगी जॉब वगैरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, ये कैमिल लाइट का। कैमिल लाइट ऑन कर सकते हो आप रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त बहुत स्कैरी सीन हो जाता है, कुछ नहीं होता, ऐसे जो कर रहा हूँ। ओके तो गाइस यार भाई सब इस ट्रक वाले को कौन से सस्ते नशे कर रहा है यार, अमेजिंग यार, गेम का ग्लिच है क्या है पता नहीं। ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपने उस कंटेनर वाली जगह पे, जहाँ पे मैंने कंटेनर लिया था। रेड लाइट को नहीं फॉलो करना यार, मैंने रेड लाइट पे इतना टाइम लगता, मैं क्या खड़ा रहूँ इनका मुंह देखता। गेम में भी रेड लाइट फॉलो करेंगे तो फिर गेम कौन सी रहेगी यार, थोड़ा इन्जॉय करें ना गेम में। तो ओके आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।